और चलिए आगे बात करते हैं दतिया की, जहां दतिया के चपरा गांव के रहने वाली मंजेश बघेल के हौसले के सामने दिव्यांगता भी हार मान गई है। दोनों हाथ और पैरों से दिव्यांग मंजेश बघेल ने स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की है। वह जब सोमवार को यह दिव्यांग इंदरगढ़ के एक निजी विद्यालय में परीक्षा फॉर्म भरने पहुंची तो कॉलेज प्रबंधन ने फीस बकाया होने के कारण इन्हें फॉर्म भरने से रोक दिया, जिसके बाद इन्होंने पीजी कॉलेज में जाकर एक आवेदन लिखा, जिसके बाद प्राचार्य ने कॉलेज प्रबंधक को फटकार लगाई और फीस जमा करवाई है। तो देख सकते हैं कि हौसले के आगे दिव्यांगता हार गई है और स्नातक की पढ़ाई करने के बाद अब आगे की पढ़ाई करने की इच्छा में इन्होंने फॉर्म भर दिया है। मंजेश बघेल, उसने इसी कॉलेज से पिछले वर्ष ग्रेजुएशन किया है। बहुत होनहार नेक और बहुत भगवान की ऐसी नेक बंदी है कि वो दिव्यांग होने के बाद भी जो है उसके अंदर एक बड़ी ऊर्जा है, लगन है, पढ़ना चाहती है। दोनों हाथ और पैरों से विकलांग होने के बाद और मुंह से लिखकर उसमें ऐसी देवी शक्ति है कि वो कहीं से भी अपने आप को कमजोर नहीं समझती। और मैं जहां तक ये महसूस करता हूं कि जो खुद अपने आप में शरीर से कमजोर होने के बाद उनके अंदर भीतर ईश्वरीय ऊर्जा उन्हें इतने आगे बढ़ाने के लिए लालायित करती है कि जो देश के हष्ट पुष्ट बच्चे हैं वो क्या नहीं कर सकते। और इस बच्ची के लिए हम सब और हमारे और आसपास के लोग जितना भी जहां भी गई है, चाहे हमारे पूर्व कलेक्टर साहब रहे हो, चाहे और भी जो लोग जिसके पास भी गई हो, यहां भी आई तो मैंने इसका एक कॉलेज में बीएड में एडमिशन करा दिया और उससे मैंने कहा कि इस बच्ची को किसी भी प्रकार से कठिनाई परेशानी नहीं होना चाहिए, उसकी आंखों में आंसू ना आए, इसकी यथासंभव मदद करें।